नगर निगम में सफाई कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारी की भर्ती की अंतिम तिथि 6 नवंबर को बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम अनुभव जांच अधिकारी नियुक्त कर देती तो प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। गत वर्ष नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती निकली थी, जिस पर सरकार के द्वारा किसी भी संस्था से अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर लगा सकते हैं, लेकिन भर्ती के पहले वाले नोटिफिकेशन को चेंज कर नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद जैसे कार्यालयों पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है। आज तक अलवर नगर निगम में अनुभव प्रमाण पत्र जारी व वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी को नियुक्त नहीं किया है, जबकि लास्ट तिथि 6 नवंबर है। आज जो हम लोग नगर निगम में इकट्ठे हुए हैं, ये सभी लोग जो वर्षों से ठेके प्रथा पे या कार्य कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये वो लोग हैं सभी। सरकार द्वारा जो सफाई कर्मी भर्ती निकाली गई है, उस भर्ती की जो आवेदन की अंतिम तारीख है वो 6 नवंबर है। अब आज 27 तारीख हो चुकी है, 28 हो चुकी है, आज तक नगर निगम द्वारा किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत नहीं किया, किसी को अधिकृत नहीं किया गया कि कौन इन अनुभव प्रमाण पत्रों को सर्टिफाइड करेगा। अभी पता किया तो कोई बता रहा है कि साहब डब्ल्यू साहब को किया अधिकृत, तो डब्ल्यू साहब ऑफिस में नहीं है, आर ओ साहब को तो आर ओ साहब को नहीं है। हमने महापौर जी से भी निवेदन किया तो महापौर जी ने कहा है कि हम लोग अभी काउंटर साइग्नेचर के लिए बैठवाता हूँ, व्यवस्था करवा रहा हूँ। लेकिन अब 6 तारीख जितनी नजदीक आ गई है और इतने लोगों के सिग्नेचर है, क्या इतनी जल्दी ये संभव हो जाएगा? और अभी बीच में दीपावली की छुट्टियां हैं, तो आज के आज ही किसी को भी बैठा करके सिग्नेचर काउंटर की व्यवस्था कराई जाए। और अब ये पता लग रहा है कि साहब ये अनुभव प्रारूप जो है ये बदल दिया गया है, जिन नगर निगम पालिकाओं में ये भर्ती के लिए जो जमा करा दिए गए, फिर उनका क्या होगा? और अगर ये गलत है तो ये पहले ही अभी क्यों दिए जा रहे हैं ठेकेदारों द्वारा? पहले क्यों नहीं बांटे गए ये ठेकेदारों द्वारा? ये कौन सी मिली भगत है, कौन सी साजिश है ये? इससे तो ये लगता है कि इन लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। अब क्या मांग है आपकी? हमारी तो ये मांग है कि ये जो अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है इसको ही मान्य किया जाए, क्योंकि अभी अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप को आप दोबारा टाइप करवाते हैं तो कितने दिन बाद तो ये टाइप होकर आएगा, कितने दिन बाद ये मिलेगा और कब इसके काउंटर सिग्नेचर होंगे? इससे तो सारे लोग रह जाएंगे। अब क्या आपका विरोध है? हम तो विरोध रखे हैं, हम तो इसका घोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये अनुभव प्रमाण पत्र जल्द से जल्द साइन नहीं किए गए तो ये जितने भी संविदा कर्मी यहाँ बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, ये सब लोग अपना अपना कार्य बंद कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराज अठवाल है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का मैं अध्यक्ष हूँ, ठेका प्रकोष्ठ। ये कहना चाह रहा हूँ, अभी इस भर्ती को भी सरकार ने विवादित कर रखा है। जैसा कि आपको पता है कि ये 2024 की सफाई कर्मी की भर्ती निकाली है, इस भर्ती में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के जो कार्यरत हैं उनकी मान्यता दी गई है। मान्यता तो दे रही है गवर्नमेंट, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आज 28 तारीख हो चुकी है, 28 तारीख के अंदर, और अब दीपावली की छुट्टी आ रही है कल से ही, ये 3-4 तारीख तक छुट्टी रहेगी। फार्म की लास्ट डेट 6 तारीख है, अभी तक किसी को अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करने के लिए नहीं नियुक्त किया गया है यहाँ नगर निगम में, यहाँ ठेका प्रथा के सारे कर्मचारी हैं। मैं आपके टीवी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब ये यही करने नौकर तो जितने भी अलवर नगर निगम में ये ठेकेदारी में कार्य रहते हैं इनको यहीं ज्वाइनिंग दे दी जाए, ये सारा खेल ही खत्म हो जाए, इनको यहीं परमानेंट कर दिया जाए।